पानी में कालू कौवा बुड्ढा हो चुका है। अभी तक उस बुड्ढे की शादी नहीं हुई। चलिए देखते हैं। यार कालू, अभी तक तूने कम से कम 100 कौवियों को देखा है, मगर तूने सब कौवियों को भी पसंद किया है, मगर उसमें से कोई भी कौवी तुमसे शादी करना नहीं चाहती। तो क्या मैं कुंवारा ही मर जाऊँ? मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता हूँ, मुझे भी शादी करनी है। कबूतर तू कुछ करना यार। मैं क्या कर सकता हूँ कालू, जरा तेरी शक्ल तो देख आईने में। तू पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका है, तेरे बाल तो पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। ऐसे में कौन सी कौवी तुझे शादी करना पसंद करेगी? ऐसा मत बोल यार, तू कुछ तो कर, बस मेरी एक शादी करवा दे। अगर तूने मेरी शादी करवा दी तो मैं तुझे एक कोट सिलवा दूंगा और भाभी जी को एक मैसूर सिल्क साड़ी दिलवा दूंगा। अगर तू इतना कह रहा है तो कुछ सोचता हूँ मैं तेरे बारे में। हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, जरा तेरा कान तो मेरे चोंच के सामने तो ला। कबूतर अपना आइडिया कालू कौवे के कान में बताता है। तुझे लगता है ये तुम्हारा आइडिया काम करेगा? कालू, वो मेरा आइडिया है, काम जरूर करेगा और पूरी तरह से दौड़ेगा भी। कबूतर सुंदरी कौवी के घर जाता है। देखिए, आपकी बेटी की अभी तक शादी नहीं हुई है और आप बहुत गरीब हो। मेरी नज़र में ये कौवा है जो बूढ़ा है, उसे शादी करनी है। वो कौवा हर समय बीमार रहता है। अगर आप उस बूढ़े से आपकी बेटी की शादी करवाओगे तो आपकी बेटी का भाग्य खुल जाएगा। अगर वो बूढ़ा कौवा जल्दी मर गया तो उस बुड्ढे की सारी जायदाद आपकी बेटी के नाम हो जाएगी। अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी ऐसा रिश्ता आपको नहीं मिलेगा, सोच लेना। माँ, मुझे बुड्ढे से शादी नहीं करनी, मैं कुंवारी मर जाऊंगी, मगर उस बुड्ढे कालू कौवे से हरगिज शादी नहीं करूंगी। तू अभी छोटी है सुंदरी, तुझे अच्छे बुरे का समझ नहीं है, तू चुप हो जा। कबूतर भाई साहब, आप उस कालू कौवे को कह दीजिए कि हमारी बेटी सुंदरी उस बुड्ढे से शादी जरूर करेगी। मगर सुंदरी बेटी तो मना कर रही है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे मना लूंगी। आप जाकर कालू को ये बात बताइए कि सुंदरी शादी के लिए मान गई है। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। माँ, आप ये क्या करने जा रही हो? मेरी शादी एक बुड्ढे से करवा रही हो? मैं मरना पसंद करूंगी, मगर उस बुड्ढे से शादी कभी नहीं करूंगी। तू एक बार मेरी बात तो सुन सुंदरी, फिर तू अपनी मनमानी कर लेना। मेरी बातें ध्यान से सुन सुंदरी, तू तो जानती है तेरी भाभी कैसी है, वो तुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं करती। तुम दोनों का हर रोज झगड़ा होता है, इससे अच्छा तू उस बुड्ढे से शादी करके अपना घर बसा ले। नहीं माँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। उस बुड्ढे का क्या सुंदरी, वो बुड्ढा तो जल्दी मरने वाला है। अगर वो बुड्ढा शादी होने के बाद मर गया तो उसकी सारी जायदाद की मालकिन तू बन जाएगी, फिर तू आराम से अपनी जिंदगी खुशी खुशी से गुजार सकती है। तू इस घर की हालत तो देख सुंदरी, हम कितने गरीब है और तेरा भाई तो एक नंबर का बेवड़ा है, बेवड़ा जो हर रात को नशा करके झगड़ा करता है घर के सामने। उसकी चिंता तो मुझे मरते दम तक सताती रहेगी, मगर तू तो सुखी रह सकती है बेटी। अगर तुझे भी आगे जाकर बेवड़ा पति मिल गया तो तू क्या करेगी सुंदरी? बेटी, मेरी बात मान ले, उसकी उम्र मत देख, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। ठीक है माँ, अगर तुम इतना कह रही हो तो मैं उस बुड्ढे से शादी कर लूंगी। सुंदरी कवि कालू से शादी करने के लिए मान जाती है।
दूसरी तरफ कबूतर कालू कव्वे के पास जाकर ये बात बताता है। कालू, वो कव्वी मान गई है तुझसे शादी करने के लिए। तू सच कह रहा है कबूतर, सच में मेरी शादी होगी? हाँ यार, तेरी शादी कल ही होगी। अरे इतनी जल्दी शादी की क्या जरूरत है कबूतर, पहले मैं मंगनी करूँगा, फिर उस कव्वे के साथ मैं पूरा जंगल घूमूंगा और मैं अपनी शो पिक्चर भी दिखाऊंगा और बड़े बड़े होटल में जाकर उस कव्वे को खाना भी खिलाऊंगा, बाद में कर लेंगे शादी। अरे बुड्ढे कहीं के, तुझे उस कव्वे के साथ मंगनी करनी है? तू पागल हो गया है? अगर तुझे देखकर उस कव्वे का मन बदल गया तो तू कुवारा ही मर जाएगा, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बड़ा आया मंगनी करके कव्वे को बाहर घुमाने वाला, तू अभी बुड्ढा है, समझ ले कालू, तू अभी एक बुड्ढा है। तू इतना क्यों भड़क रहा है कबूतर? अगर मंगनी नहीं तो नहीं सही, शादी कर लूंगा। और हाँ कालू, खांसने का नाटक करते ही रहना। हाँ हाँ कबूतर, मैं खांसूंगा। बस इतना काफी हो गया ना? अरे ये बुड्ढा तो बहुत ज्यादा नाटक करने लगा रे। अगले दिन कालू कौवा और सुंदरी की शादी हो जाती है। सुंदरी कव्वे दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही थी। कालू कौवा तो सुंदरी को देखकर घूरे ही जा रहा था। कालू कौवा सुंदरी कव्वे को बिहा कर अपने साथ अपने घर ले आता है। अगले दिन कालू कौवा सुंदरी से कहता है, सुंदरी वहाँ पर एक बॉटल में मेरी खांसी की दवा रखी है, आप मुझे पिला दीजिए। फिर सुंदरी कव्वे उस बोतल में की दवा कालू कव्वे को पिला देती है। सुंदरी कव्वे कालू कव्वे से कहती है, अरे आप तो बुड्ढे हो चुके हो, फिर भी आपने शादी कर ली मुझसे। लगता है आपकी सेवा के लिए आपने शादी की है मुझसे। सुंदरी ये कैसी कैसी बातें कर रही हो अपने पति से? मैं आपसे ठीक तरह से ही बात कर रही हूँ। मेरी माँ को अपनी दौलत की लालच देकर फंसा कर मुझसे आपने शादी कर ली है। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ खुश रहूंगी? ये आपकी गलत फहमी है, मैं सिर्फ आपकी सेवा में ही अपनी जान गवा दूंगी। सुंदरी वो सब बातें छोड़ो, मैं आज तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम घूमकर बाहरी खाना खाकर घर आएंगे। कालू कव्वे की बातें सुनकर सुंदरी कव्वे मन ही मन सोचती है, ये बुड्ढा इतना बीमार है फिर भी इसे बाहर घूमने जाना है, वो भी मेरे साथ, और बाहर का खाना भी खाना है। मुझे तो लगता है ये बुड्ढा बीमार बीमार कुछ नहीं है, सिर्फ नाटक कर रहा है नाटक। जो भी करे मुझे क्या, बस जल्दी से ये बुड्ढा मर जाए, फिर मैं आजाद पंछी हो जाऊंगी। सुंदरी तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम बाहर घूमना नहीं चाहती? आती हूँ। कालू कौवा सुंदरी कव्वे को मिठाई की दुकान पर ले जाता है। सुनो पक्षी, एक प्लेट जलेबी, वो भी रबड़ी के साथ। कालू जी, आपकी खांसी तो रुकने का नाम तक नहीं ले रही, और आप है कि जलेबी के साथ रबड़ी खा रहे हैं। ये रबड़ी दूध से बनी है, खांसी के लिए अच्छी नहीं होती। मैं सब खा पी कर मजे से मरना चाहता हूँ। मरना तो सभी को एक दिन है, क्यों ना खा पी कर मजे करके मरे, क्या पता मैं कब मर जाऊँ। कालू कौवा ऐसा कहकर जी भर के जलेबियाँ और रबड़ी खाने लग जाता है। सुंदरी कव्वे कालू कव्वे को देखकर चौंक जाती है और कालू से कहती है,
अगर आप मर गए तो आपकी सारी जायदाद आप किसके नाम करोगे कालू जी? हाँ, मेरे मरने का सपना मत देखो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं मर भी गया तो मेरी जायदाद पर तुम्हारा ही हक होगा सुंदरी। मैं दिखने में बूढ़ा हूँ मगर अंदर से बहुत स्ट्रांग हूँ। ये सब सुनकर सुंदरी कवि चौंक जाती है और कालू से कहती है, मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है कालू जी, मैं माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। ठीक है सुंदरी, चलो सासू माँ के पास चलते हैं। कालू कौवा सुंदरी को उसके मायके लेकर आता है। मायके जाकर सुंदरी कवि के तो तेवर ही बदल जाते हैं। माँ, मैं इस बुड्ढे के साथ वापस नहीं जाने वाली। क्या हुआ सुंदरी, आते वक्त तो तुम ठीक थी, अपने मायके आते ही तुम बदल गई? क्या बात है सुंदरी, मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे आपसे बहस नहीं करनी, आप यहाँ से चली जाइए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है सुंदरी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तुम जब चाहे अपने घर को आ सकती हो, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, ये बुड्ढा नहीं है, ये तो शैतान है। शैतान इतना खाता है, पका पका कर तो मेरे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। और कबूतर अंकल ने तो कहा था ये जल्दी मरने वाले हैं, मुझे तो लगता है ये बुड्ढा जल्दी मरने वाला नहीं है। मैं तो इस कौवे के साथ नहीं रहने वाली माँ। मगर सुंदरी, तुम्हारी भाभी तुम्हें यहाँ रहने नहीं देगी, वो बड़ी डायन है, मुझे ही हर वक्त ताने मारती रहती है। तुझे क्या यहाँ रहने देगी, वो अभी आएगी, मार्केट गई है डायन। तो क्या मैं उस बुड्ढे के साथ पूरी जिंदगी यूं ही गुजारती रहूं? ऐसा सुंदरी अपनी माँ से कह ही रही थी कि वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो सुंदरी, तुम्हें तो हमने शादी करके इस घर से विदा कर दिया था, तो फिर यहाँ क्यों लौट कर आई हो? भाभी, वो कालू बुड्ढा मरने वाला नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहने वाली, मैं आप सभी के साथ यही इसी घर में रहना चाहती हूँ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है सुंदरी, निकलो मेरे घर से बाहर। माँ, आप कुछ कहिए ना भाभी से कि वो मुझे इस घर से ना निकाले। माँ जी, अगर आपने एक शब्द भी कहा तो मैं आपको भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। सोच समझ कर बोलिए, पहले ही आपका बेटा बेवड़ा है, ये घर मुझसे ही चलता है। सुंदरी, चली जा बेटी यहाँ से, अपने पति के पास जा, अब तुझे उसी के साथ ही जीना होगा। माँ, मैं कहाँ जाऊँ? माँ! सुंदरी कवि रोते रोते अपने पति कालू कवि के पास जाती है। कालू जी, मुझे मेरी भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा है फिर से वापस उस घर में कदम भी मत रखना। कोई बात नहीं सुंदरी, तुम वहाँ मत जाओ, तुम तो इस घर की मालकिन हो, तुम्हें क्या जरूरत है वहाँ जाने की? मैं तुम्हें हर खुशी दे सकता हूँ, तुम तो मेरे मन की रानी हो, तुम्हारे दिल में जैसा आए तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करने वाला। मुझे माफ कर दीजिए कालू जी। अब कालू और सुंदरी खुशी खुशी से रहने लग जाते हैं। एक जंगल में रानी नाम की चिड़िया अपने पति बबलू चिड़ा के साथ छोटे घोंसले में रहा करती थी। रानी चिड़िया ने अपने घोंसले में एक छोटा सा अंडा दिया हुआ था। हर रोज बबलू चिड़ा भोजन के खोज में चला जाता था और रानी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल किया करती थी। रानी चिड़िया अपने अंडे से बात कर रही थी। अगर इस
अंडे से चिड़ा निकला तो मैं उसे मुन्ना कहकर बुलाऊंगी। अगर चिड़िया निकली तो मुन्नी कहकर बुलाऊंगी। मेरे बच्चों को बहुत प्यार दूंगी मैं, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं। फिर वहां पर एक चील आती है। रानी चिड़िया उस चील को देखकर अपने घोंसले में छुप जाती है। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, सुबह से मुझे एक पक्षी भी नहीं मिला जिसे मैं शिकार करके खा सकूं। हर जगह ढूंढ लिया मगर पक्षी तो अपने घोंसले में नहीं है। लगता है मेरे डर से सारे जंगल के पक्षियां भाग गए हैं इस जंगल से। दूसरे जंगल जाकर देखती हूँ, शायद मुझे शिकार मिल जाए जिसे मैं खाकर अपना पेट भर सकूं। वो चील चिड़िया का घोंसला देखे बिना ही वहाँ से चली जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उस चील को मेरा अंडा और घोंसला नजर नहीं आया। मगर वो चील फिर से आ सकती है, मैं मेरे अंडे को यहाँ नहीं छोड़ सकती। मुझे मेरे अंडे को सुरक्षित जगह पर रखना होगा। फिर वहाँ पर बबलू चिड़िया भी आ जाता है। चिड़िया तुम इतना घबराई हुई क्यों हो और अपने आप क्या बड़बड़ किए जा रही हो? बबलू जी, यहाँ चील आई थी, उसने हमारे घोंसले को तो नहीं देखा। हमें यहाँ से जाना होगा बबलू जी, क्या पता वो चील कल फिर से आ जाए। हम ये खतरा नहीं ले सकते, हम हमारा घोंसला कहीं और बना लेंगे बबलू जी। हाँ हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो चील फिर से आ सकती है। तुम चिंता मत करो, हम हमारा घोंसला कहीं और बना लेंगे। क्यों ना हम नदी के पास ही हमारा एक नया घोंसला बना दे बबलू जी। नदी के पास तो ठीक है चिड़िया, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं आज ही जाऊंगा और घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। बबलू जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर जल्दी से घोंसला बनाकर आ जाएंगे। लेकिन रानी चिड़िया, हमारा एक अंडा भी है, हम हमारे अंडे को अकेले घोंसले में नहीं छोड़ सकते। बबलू जी, मैं हमारे अंडे को यहीं पर छुपा देती हूँ, जब हम नया घोंसला बना लेंगे तो हम इस अंडे को लेकर चले जाएंगे। रानी चिड़िया अपने अंडे के ऊपर कुछ पत्तियों को रखकर वहाँ से चली जाती है। बबलू चिड़िया और रानी चिड़िया नदी के पास घोंसला बनाने के लिए चले आते हैं। सुंदरी कवि और कालू कौवा चिड़िया के घोंसले की ओर से गुजर ही रहे थे। कालू जी, वो देखिए, किसी ने उस घोंसले में अंडा छुपाया है। चलो चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों अंडे के पास जाते हैं। देखा कालू जी, मेरे आंखें कितनी तेज हैं, मैं दूर से ही समझ गई थी कि यहाँ पर अंडा है। लगता है कोई पक्षी अपने अंडे को यहाँ पर छुपाकर चला गया होगा। सुंदरी, हम इस अंडे को लेकर अपने घर चले जाएंगे। तुम्हें तो पता है ना सुंदरी, कल मेरे मामा जी घर पर आने वाले हैं। उन्हें अंडे बहुत पसंद है, ये अंडा हम उन्हें दे देंगे, वो इस अंडे को खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। ये अंडा पहले मैंने देखा है, कल मेरी माँ भी आने वाली है, तो ये अंडा मेरी माँ ही खाएगी। उन्हें भी अंडे बहुत पसंद है, वो मेरी माँ तो बूढ़ी है, अंडे खाकर हड्डियों में जान आ जाएगी। सुंदरी, पहले इस अंडे को घर ले जाते हैं, यहाँ पर बहस नहीं करते। अगर किसी चील ने या उल्लू ने देख लिया तो ये अंडा उनके मुंह में चला जाएगा। फिर सुंदरी कवि और कालू कौवा रानी चिड़िया के अंडे को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ रानी चिड़िया और बबलू चिड़िया जो अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लेते हैं। बबलू जी, घोंसला तो तैयार हो गया है, अब मैं जाकर अपना अंडा लेकर आती हूँ। ठीक है रानी चिड़िया, हमारे अंडे को संभाल कर लेकर आना। रानी चिड़िया अपना अंडा लाने चली जाती है। जब रानी चिड़िया अपने पुराने घोंसले में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका अंडा वहां पर नहीं था।
अरे मेरा अंडा तो यहीं पर था, मैंने तो उसे यहीं पर छिपाया था। लगता है किसी जालिम ने मेरा अंडा चुरा लिया है। मुझे बबलू जी को बताना होगा। रानी चिड़िया रोते रोते बबलू चिड़ा के पास जाती है। बबलू जी, किसी ने हमारे अंडे को चुरा लिया है। हमारा अंडा घोंसले में नहीं है बबलू जी, कुछ कीजिए बबलू जी, हमारे अंडे को ढूंढिए। ये बात सुनकर बबलू चिड़ा बहुत दुखी हो जाता है और रानी चिड़िया से कहता है, ये क्या कह रही हो रानी चिड़िया, तुमने ठीक तरह से देखा तो है ना घोंसले में। हाँ हाँ कालू जी, मैंने ठीक तरह से देखा है, अंडा घोंसले में नहीं है कालू जी। ना जाने कौन सा जालिम होगा जो हमारे अंडे को ले गया होगा। रानी चिड़िया और बबलू चिड़ा बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ सुंदरी कवि और कालू कौवा जो रानी चिड़िया के अंडों को घूर रहे थे। कालू जी ये देखें, अंडा हिल रहा है, लगता है अंडे में बच्चा बनकर तैयार हो चुका है। अब इस अंडे में से पक्षी कभी भी बाहर आ सकता है। अरे अगर अंडे में से पक्षी निकलकर बाहर आ गया तो हमें बहुत तकलीफ होगी सुंदरी, वो पक्षी हम दोनों को माँ बाप समझेगा। सुंदरी अंडे में से बच्चा बाहर आने से पहले तुम इस अंडे को ले जाकर कहीं दूर फेंकाओ। हाँ कालू जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अंडा हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। मैं इस अंडे को ले जाकर नदी में फेंकाती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाओ सुंदरी, लगता है ये अंडा अभी टूटने ही वाला है। फिर सुंदरी कवि उस अंडे को नदी की ओर ले जाती है। अरे ये अंडा ना जाने किसका होगा, जाने दो, अगर अंडा ताजा होता तो मेरी माँ के पेट में होता। ऐसा सोचकर सुंदरी कवि जा ही रही थी कि उसे वहाँ पर बबलू चिड़ा मिल जाता है। अरे सुंदरी बहन, तुम अपने अंडे को इस तरह से पकड़कर कहाँ ले जा रही हो। वो ना मुझे बहुत भूख लगी है, कालू जी तो हर वक्त घर पर फालतू बैठे रहते हैं, घर के काम तो कुछ करते नहीं, ना ही मेरे लिए भोजन लाते हैं। भूख के मारे मेरे पेट में गुड़ गुड़ की आवाज आ रही है, इसीलिए इस अंडे को बेचने जा रही हूँ। अरे कैसी माँ हो तुम जो अपने अंडे को बेचने जा रही हो। मुझे मत समझाओ कि माँ कैसी होती है, अब मेरा रास्ता छोड़ो। रुको रुको सुंदरी, मैं इस अंडे को ले लूँगा, इसके बदले मैं तुम्हें फल दे दूँगा। तो ठीक है, फल लाओ फल। ये ले लो सुंदरी फल और मुझे अंडा दे दो। इस तरह से बबलू चिड़ा अपने ही अंडे को अपने घोंसले में लेकर आ जाता है। रानी चिड़िया ये देखो मुझे क्या मिला है। अंडा, ये किसका अंडा लेकर आए हो बबलू जी। ये अंडा सुंदरी कवि का है। सुंदरी कवि का अंडा, उसका अंडा आप क्यों लेकर आ गए बबलू जी। आपको तो पता है वो कव्वे कितने जालिम हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि आपने उनके अंडे को यहाँ लेकर आए हैं, तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं बबलू जी। अरे बस रानी चिड़िया कितना बकबक कर रही हो, मेरी पूरी बात तो सुनो। सुंदरी अपने अंडे को बेचने जा रही थी, मैंने उसे फल देकर इस अंडे को अपने साथ लेकर आ गया। नहीं बबलू जी, सुंदरी अपनी चीज किसी को भी नहीं देती, ये तो उसका खुद का अंडा है, वो अपने अंडे को बेचने जा रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, जरूर दाल में कुछ काला है बबलू जी। रानी चिड़िया उस अंडे को छूते ही उसे पता चल जाता है कि वो चिड़िया का ही अंडा था। बबलू जी ये मेरा अंडा है, सुंदरी का नहीं, मैं मेरे अंडे को पहचान सकती हूँ, हमारा अंडा है ये। ये क्या कह रही हो रानी चिड़िया, ये अंडा सुंदरी कवि का है जो अपने साथ ले जा रही थी। भला सुंदरी कवि दूसरे का अंडा क्यों ले जाएगी, ये अंडा तो सुंदरी कवि का है जो मैंने उसे फल देकर लाया हूँ।
नहीं बबलू जी, मैं इस अंडे की माँ हूँ, मैं गलत नहीं हो सकती, ये मेरा ही अंडा है, मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ। लगता है सुंदरी ने इसे किसी पक्षी से बचाया होगा और भूख की वजह से इस अंडे को बेचने निकल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो हमारा अंडा हमारे पास ही भेज दिया भगवान ने। फिर वो दोनों अपने अंडे के साथ हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। हम जो मेहनत करते हैं आपके लिए, नए वीडियो बनाते हैं, उसके लिए लाइक तो बनता है। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।